राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सचिन पायलट की करीबी नेता माने जाने वाली जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ज्योति खंडेलवाल के साथ 6 अन्य नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। सचिन पायलट की करीबी नेता माने जाने वाली जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। ज्योति खंडेलवाल के साथ 6 अन्य नेता भी बीजेपी को ज्वाइन कर गए। ज्योति खंडेलवाल पिछले कुछ समय से कांग्रेस में दरकिनार चल रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। चुनावी माहौल की पूरी तरह गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में जोड़ तोड़ का दौर भी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस जोड़ तोड़ के बाद कांग्रेस को चुनावी गर्मी से पसीने निकलने लगे हैं। वहीं भाजपा इसे अपनी जीत का अहम फैसला मान रही है, लेकिन जोड़ तोड़ का क्या फायदा मिलेगा ये तो वोटर ही तय करेगा।